दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म के ऊपर जो है टाइपिंग स्पीड। देखो ये टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में वर्क करते हो या फिर करना चाहते हो तो आपको पता है कि टाइपिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन कहीं जगह आप जॉब के इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो वहां पे पहले ही आपसे बोल दिया जाता है कि क्या आपकी टाइपिंग स्पीड 30-35 है या नहीं। इवन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब्स की तो वहां पे भी 30-35 का रेशियो वो मांगा जाता है। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बिना देखे टाइपिंग कैसे करोगे और साथ ही आप अपने टाइपिंग स्पीड को जल्द से जल्द कैसे बढ़ाओगे। तो यहाँ मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मेरे खुद की जो स्पीड है वो 60-70 WPM स्पीड है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में जितने भी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी जेन्युइन है और अगर आप उसे सही से अप्लाई करते हो तो विद इन अ मंथ आप अपनी स्पीड को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाओगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले टिप की जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरी टाइपिंग में, वो है हाथ रखने का तरीका। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें हाथ रखना कैसे है। आप जो टाइपिंग कर रहे हो तो कौन सी उंगली से कौन सी क्यू को प्रेस करना ये नहीं पता होता और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक बार आपने गलत फॉर्मेशन सीख लिया उसके बाद उसे ठीक करना सीखने से ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज होती क्या है कि जो आपका होम रो होता है, ये जो आप होम रो देखते हो तो यहाँ पे जो सबसे छोटी उंगली है वो आती है ए पे, फिर एस, डी, एफ, ये पोर्शन होता है। इसके बाद यहां से जे, इस वाली जो हम बात करें दूसरे हाथ की जो हमारा राइट हैंड है, तो जे, के, एल और जो हमारा यहाँ पे सेमी कॉलन है उस पर हमारी उंगली रहती है, ये चार होता है। इस वाली उंगली से हम बात करें तो जी को प्रेस करते हैं और इस उंगली से हम बात करें एच को प्रेस करते हैं। अगर आपको ध्यान रखना है तो आप देख पा रहे होंगे कि एफ और जे इन दोनों की पे एक छोटी सी लेयर होती है जिसे आप ये याद रख सकते हैं कि आपको अपनी उंगलियां किस फॉर्मेट में कहां पे रखनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कॉर्नर वाली फिंगर है इसी से जी को प्रेस किया जाएगा और दूसरी वाली जो उंगली है उससे एच को प्रेस किया जाएगा। अब इन्हीं फिंगर्स की बात करें तो ये ऊपर में इसी तरह से जाएंगे, जब आप इसे मूव करोगे तो ये होगा क्यू डब्ल्यू ई आर और यहाँ पे होगा यू आई ओ पी, ये इस तरह से आएगा और जो इसका एंड फिंगर है उससे हम टी को प्रेस करेंगे और इस वाले एंड फिंगर से वाई को प्रेस करेंगे। इसी के साथ इसी तरह से ये डाउन रो में आएगा जहां पे जेड एक्स सी वी, ठीक है, और यहाँ पे एम ग्रेटर देन, एम लेस देन, ग्रेटर देन और यहाँ पे आ जाएंगे हम ऑब्लिक वाले ऑप्शन पे। इस वाले एंड फिंगर से बी को प्रेस करेंगे, इस वाले एंड फिंगर से हम एन को प्रेस करेंगे। आपके जो दोनों थंब है इससे आप स्पेस बटन को प्रेस कर सकते हैं। ये तो ये फॉर्मेट होता है बेसिक कि हमें उंगली रखनी कैसे। अब इसके साथ जो हमारी एडिशनल कीज होती है जैसे कि कैप्स लॉक हो गया, टैब की हो गया या फिर शिफ्ट की हम बात करें तो इन्हें आप कैसे यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे बेसिकली जो आपका एंड सबसे छोटी वाली फिंगर होती है इसी से आपको टैब की को प्रेस करना है, इसी से कैप्स लॉक की को प्रेस करना है और इसी से शिफ्ट की को भी प्रेस करना है। सेम यही फॉर्मेट जाएगा कि यहाँ पे एंटर, इसी से बैकस्पेस और इसी से आपका शिफ्ट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप कि ये जो सबसे सिंपल और कॉमन चीज थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं दूसरे टिप की। दूसरा टिप ये है कि कभी भी अपने कीबोर्ड को मत देखो। बेसिकली क्या है कि मैंने आपको बताया कि आपके हाथ रखने का तरीका हो गया, तो अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये उंगलियों से ध्यान रखना है कि आपके उंगली से कौन सा बटन प्रेस हो रहा है। आपको ये नहीं कि कीबोर्ड पे देख देख के प्रेस करना, नहीं, देखना आपको ऑन स्क्रीन है और प्रेस आपको फिंगर से ही करना है, तभी आप बिना देखे जल्दी टाइपिंग सीख पाओगे। अगर आप पहले ही यहाँ पे कि नहीं मुझे फटाफट टाइपिंग करनी है, आप पेशेंस नहीं रखे और सीधा है कि देख देख के टाइप कर रहे हो तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये जो आपको याद रखना है ये अपनी उंगलियों से याद रखना है ना कि अपनी आंखों से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो हुई कुछ बेसिक चीजें, इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पे जहां पे आपको टाइपिंग का क्राइटेरिया, टाइपिंग करनी कैसे, उसको किस वे में लेके चलना है वो समझना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर, आपने मार्केट में सुना होगा। इवन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हो, इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा रहे हो तो वहां पे उसी टाइपिंग मास्टर के सॉफ्टवेयर पे ही आपका टेस्ट होता है। तो टाइपिंग मास्टर में प्रॉपर एक ट्यूटोरियल होता है कि आपको किस वे में चलना है, किस तरह से एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है। तो अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो नहीं, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको फ्री में इंस्टॉल करना है तो गेट इन टू पीसी करके एक प्रॉपर वेबसाइट है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको इंस्टॉल करना है तो वहां जाके आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या है कि मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इस पर बताता हूँ आपको वर्क कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइपिंग मास्टर को ऑन करने वाले हैं, ये टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ये करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपना नाम डाल देता हूँ या फिर जो भी नाम है वही हम रहने देते हैं, मैंने यहाँ डाल दिया राहुल, ठीक है, और यहाँ हमने किया एंटर।
अब ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्टडिंग पे क्लिक करके लॉन्च पे क्लिक करना है। क्लिक आप करोगे फिर यहाँ पे मिलता है टच टाइपिंग कोर्स, तो इस पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको होम रो क्लिक करनी है और ये आना है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, टोटल आपको 12 चैप्टर्स मिलते हैं जिनमें आपको अलग अलग सेक्शन मिलेगा। करना क्या है देखो, सबसे पहले जैसे यहाँ पे 1.2 है, इसमें सारी चीजें बताएंगे आपको कि उंगलियां कैसे रखनी है, क्या चीजें नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये चैप्टर फिल करना है। जैसे कि ये बता रहा है कि आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे इस छोटी उंगली से आपको ए को प्रेस करना है, तो हमने ए प्रेस किया। फिर ये बताएगा दोबारा ए को प्रेस करो और इस वाले अंगूठे से स्पेस को प्रेस करना है। एस प्रेस किया, एस प्रेस किया, स्पेस किया। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रॉपर आपको गाइडेंस देता है कि आपको किस उंगली से कौन से की को प्रेस करना है। क्योंकि क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो आप याद नहीं रख पाओगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपकी उंगली किस बटन को प्रेस करेगी और सिंपली आप स्क्रीन पे देख के बिना मतलब कीबोर्ड को बिना देखे आप टाइपिंग कर पाओगे। ये इसका प्लस पॉइंट है। अब ये होने के बाद जब आप एक दिन में ये पूरा यहाँ पे 1.6 तक कर लोगे वर्ड ड्रिल तक, तो उसके बाद आपको मिलेगा 1.7 पैराग्राफ ड्रिल। आपको ये करना है और ये करने के बाद जो भी इसमें दिया हुआ है ये चीज आपको टाइप करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है, एड्स हो गया, डैड हो गया, ये हो गया, तो इस तरीके से आप जो है इसे कर पाओगे। तो जब आप यहाँ पे एक प्रॉपर एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो तो कुछ इस तरह से आपको एक रिपोर्ट शो करता है कि आपका जो यहाँ पे स्पीड है वो कितनी आई है, आपने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो इस प्रॉपर तरीके का एनालिटिक आपको शो होता है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखो एक नॉर्मल आपका लेसन 1 है, फिर आपका लेसन 2 है, लेसन 3 है, इस तरह से करके टोटल 12 लेसन है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है कि पहले लेसन में जो आपकी स्पीड आई है, मतलब कि पैराग्राफ ड्रिल में जो भी आपकी स्पीड आई है, आपको अगला लेसन तब तक स्टार्ट नहीं करना है जब तक आप मान लो कि इस बार आपकी स्पीड आई है 10, तो जब तक आपकी स्पीड 12 नहीं आ जाती आप लेसन 2 जो है वो स्टार्ट नहीं करोगे। ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने खुद फॉलो की थी जब मैं टाइपिंग स्पीड सीखता था, तो मैंने खुद ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। और आप बिलीव नहीं करोगे सिर्फ 22 या 23 डेज में मैंने 40 का जो स्पीड है वो क्रॉस कर दिया था सिर्फ 23 डेज में। तो ये चीज आप भी कर सकते हो, मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, मैंने खुद फॉलो किया था कि जब तक लेसन 1 में आपकी जो भी स्पीड आई है मान लीजिए 6 है, 7 है, 10 है, तो जब तक उसमें आप 2 पॉइंट आगे नहीं बढ़ जाते तब तक आपको ये वाला लेसन जो है वो स्टार्ट नहीं करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये चीज आप कर लोगे तो इसके बाद कुछ लेसन बाद आपको एक नई की का यूज समझ में आएगा जो है शिफ्ट की। अब यहाँ पे बेसिकली शिफ्ट की का क्या यूज है मैं आपको समझाता हूँ। देखो हर एक की पे आपको पता है कि बड़ी एबीसीडी भी है, छोटी एबीसीडी भी है, मतलब अगर आप बिना कैप्स के प्रेस करते हो तो छोटा ए आता है, जब आप कैप्स लॉक के साथ दबाते हो तो बड़ा ए आता है। वही चीज होती है शिफ्ट के साथ, जब आप शिफ्ट के साथ ए को प्रेस करोगे तो बड़ा ए आएगा, शिफ्ट के बिना जब ए को प्रेस करोगे तो छोटा ए आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो आपकी की पे अल्टरनेट ऑप्शन है उसके लिए शिफ्ट की का यूज होता है। तो अब यहाँ पे वही चीज है, जैसे मान लो कि मुझे एप प्रेस करना है छोटा, तो मैं सिंपली इसको प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे बड़ा एप प्रेस करना है तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये बोल रहा है कि शिफ्ट भी आपको इस उंगली से शिफ्ट दबाना है और इस उंगली से आपको एप प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे इससे उंगली से शिफ्ट दबाता हूँ और एप प्रेस करता हूँ तब ये प्रेस होगा। तो ये शिफ्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म होता है अगर हम टाइपिंग स्पीड में बात करें, क्योंकि इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन एक ही बार में आपको दोनों हाथों से करना है, एक हाथ से आपको शिफ्ट दबाना है, एक उंगली से शिफ्ट दबाना है और दूसरी उंगली से आपको दूसरे की प्रेस करनी है। तो ये चीज आपकी जो एक्सरसाइज है 5 वहां से आपको सीखने को मिलेगा, स्टार्ट होगा। तो मेन टर्म यही है कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, 12 एक्सरसाइजेस है, ये आपके ऊपर है कि आप इसे कितने दिन में खत्म करते हो। एज सून एज आप इसे कंप्लीट करोगे जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है 2 पॉइंट्स वाली, तब तक आपको इसे करना है। जब तक एक एक्सरसाइज में आप 2 पॉइंट क्रॉस नहीं करते हो, 10 आई है 12 तक नहीं पहुंचते हो, तब तक आपको दूसरे लेसन पर शिफ्ट नहीं होना। ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टाइपिंग टेस्ट का, इसमें जाना है आपको। और यहाँ पे जाने के बाद कोई भी एक टाइम चूज कर लिया आपने, जैसे कि मान लीजिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप और आपको सारे कीज पे कंट्रोल आ गया, इसके बाद आपको क्या करना है, टाइमर सेट करना है, जैसे 2 मिनट का ही टाइम सेट कर लिया और ये एंटर करना है, तो एक प्रॉपर पैराग्राफ आ जाएगा और इसमें पूरा कोऑर्डिनेशन रहेगा आपका सभी कीज का। आपको टाइप करना है और आपको ये बताएगा कि आपकी प्रॉपर स्पीड अभी के टाइम पे कितनी है, ग्रॉस स्पीड कितनी है, नेट स्पीड कितनी है, सारी चीजें आपको बता देगा। तो ये मेन टर्म है, जैसे मैंने टाइपिंग सीखी, जो स्ट्रेटेजीज मैंने फॉलो करी वही चीज मैंने आपको बताई है। सो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।